नागौर के मेड़ता पंचायत समिति में बीडीओ और जनप्रतिनिधियों का विवाद चरम पर है। वहीं देर रात बीडीओ कविता जरेसिया ने घर पर कुछ लोग 3 गाड़ियों में भरकर आए और उन्हें किराए का मकान खाली करने की धमकी दी। जशोरिया ने थाने में शिकायत कर बताया कि करीब 3-4 गाड़ियों में 14 जनप्रतिनिधियों सहित कुछ लोगों पर दहशत फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल विगत कुछ दिनों से बीडीओ के खिलाफ कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल रखा है। कार्मिक पेन डाउन हड़ताल पर हैं और विवाद की जांच हेतु कलेक्टर के आदेश पर 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी अभी तक जाँच रिपोर्ट भी नहीं आई है। वही एक नया विवाद और सामने आ गया है। कुछ राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि आपको मेड़ता में नहीं रहने देंगे और आप यहाँ से चले जाओ। मैंने पूर्व में कोई FIR दर्ज कराई थी, उसमें राजीनामा का दबाव बनाने लगे और मेरे नहीं मानने पे यहाँ मेड़ता में नहीं रहने देने की धमकी दी। जब मैंने राजीनामा नहीं किया तो मुझे मेरे कर्मचारियों को धमका कर धरने प्रदर्शन पर बैठा दिया। इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी तो कल रात को 20-25 लोग, जिसमें जनप्रतिनिधि और कुछ कर्मचारी भी थे, वो मेरे घर पर आए और मुझे घर पे आके धमकी देने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी। मैंने रात में ही इसकी FIR दर्ज कराई है और अभी मैं SP सर के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाऊंगी कि एक महिला अधिकारी ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।